आप लोग एक रिपोर्ट के बारे में सुनते थे, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो देखते थे आप लोग कि कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते थे, और आपने देखा होगा मेंस में भी आपको कई इससे पॉइंट मिल जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो आज का ये आर्टिकल उसी से संबंधित है आपका, क्योंकि आपने देखा है कि विश्व बैंक ने जो व्यापार सुगमता रिपोर्ट थी इसे प्रकाशित करने पर रोक लगा दिया है। तो इसमें देखेंगे क्या लगाएगी रोक, और व्यापार सुगमता सूचकांक से तात्पर्य क्या होता है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग बात करेंगे। इतना क्लियर है कि आपका वन डे एग्जाम या फिर आपका सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में बनते रहे इससे क्वेश्चंस, और आपका मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहती है। हाल ही में आप सबने देखा होगा कि विश्व बैंक ने वार्षिक प्रकाशन व्यापक सुगमता रिपोर्ट के प्रकाशित करने पर रोक लगा दिया है। विश्व बैंक को कुछ देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा में अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हुई थी। विश्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि उसके उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों में व्यापार सुगमता रिपोर्ट के लिए उपलब्ध कराए गए संस्थागत डेटा की व्यवस्थित समीक्षा व मूल्यांकन का निर्णय लिया गया है। ध्यातव्य है कि भारत ने व्यापार को सुगमता बनाने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया की पहल की नींव भी रखी थी। एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जितने भी इतने तरह के संगठन हैं आपके, इनके बारे में आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार आपके इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये संगठन जो भी आपके रिपोर्ट जारी करते हैं उन रिपोर्टों को भी आप लोग ध्यान में रखा करिएगा। ठीक है, याद रखिए, और इस तरह के जो भी आपके संगठन है, फिर चाहे राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, सबके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, तो आप जाकर पढ़ लें। यहाँ आपको महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, और वहां आपका सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया गया है। अगर आपके लिए मेंस में अगर आंसर भी लिखना है आपको 200 शब्द का, तो आप उसे देखकर लिख सकते हैं, इतना विस्तार से बताया गया है सभी संगठनों के बारे में। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई संगठन छूटा है तो मुझे बताइए, मैं उसे भी करवा दूंगा। अभी यहाँ एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ विश्व बैंक की। तो ये आप देखेंगे, इसकी स्थापना की बात करूं तो जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, 189 कंट्रीज की सदस्य है। ठीक है, याद रखिए इसने क्या कहा है कि कुछ जो अभी देश जैसे भारत ने डेटा उपलब्ध कराया उसी आधार पर तो आप देखते हैं कि उनकी जानकारी मिलती है। अब आपसे कह दिया जाए कि आपके गरीबी आपको बताना है, आपके गांव में कितने लोग गरीब रहते हैं, तो आप क्या करें, आप सबकी ऐसी लिस्ट बनाएं कि आप सबको अमीर दिखा दें, समझ रहे हैं आप। तो आपने डेटा में हेर फेर किया है ना, तो इसी तरह की बात की जा रही है। इसलिए उसने कहा है कि हम विचार करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत के व्यापार परिदृश्य को आसान बनाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों की उपायों की पहचान की, ताकि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके। आत्मनिर्भर, आप लोग देख रहे हैं जहां आजकल शब्द सुनाई दे रहा है आत्मनिर्भर, इसके लिए कई स्तंभ हम लोगों ने पहले भी कई बार बात की कर ली है, तो बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत कठिन, मतलब आसान भी नहीं है एक तरह से आप कहिए। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं वित्त मंत्री साहब ने एक भाषण दिया हुआ है, उन्होंने अर्थव्यवस्था को गिरने की वजह भगवान को बता दी। तो आप खुद जानते हैं, अगर आप इतना पढ़ते लिखते हैं, करंट से जुड़े रहते हैं, तो आपने देखा कि कोरोना महामारी आने से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था गिरती आई। हाँ, इतना कह दीजिए आप लोग जरूर कि उसमें जितनी कमी रह गई थी वो पूरी कर दी किसने, कोरोना महामारी ने। लेकिन आप पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ दें और भगवान पर डाल दें, मुझे लगता है ये तो आसान नहीं है। और क्या दिखा रहे हैं आप लोग, अगर इस तरह की बात कर भी देते हैं तो क्या दिखाना चाह रहे हैं आपके कोई बहाने से, जैसे चलिए ठीक है आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, आप फेल हो रहे हैं हर बार, आपका ऐसा ना हो भगवान, फिर भी आप सोचिए कि हम लोग फेल होते रहते हैं, और हम क्या करते हैं दूसरे पर अपनी कमियां मतलब बता देते हैं हम उस वजह से फेल हो गए। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए ना कि गलती कहाँ हुई है जिस वजह से हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, उसे सुधार करना चाहिए, अपनी गलती खुद माननी चाहिए, अपने आप पर डिपेंड रहना चाहिए।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पर डाल देते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो यही वित्त मंत्री साहब कर रहे हैं। व्यापार सुगमता सूचकांक से तात्पर्य क्या है? विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापक सुगमता सूचकांक किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मापता है। एक बात याद रखिए, विश्व बैंक जारी करता है, आपसे ये कई बार बन जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। व्यापार सुगमता सूचकांक में व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, विद्युत संपत्ति का पंजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान करना, सीमा पार व्यापार, अनुबंध लागू करना, दिवालियापन होने पर समाधान आदि मानक शामिल रहते हैं। यानी कि आप कहिए कि इन ए इस रिपोर्ट के आधार स्तंभ है, इन्हीं के आधार पर एक तरह से आप ए रिपोर्ट जारी की जाती है। और याद रखिए, कोई भी निवेशक आएगा, कहने का मतलब है कि कोई व्यापारी आएगा, एक तरह से आप व्यापारी मान लीजिए कंपनियों को, तो वो इन्हीं को देखकर आता है लगभग, कि आपके देश में संपत्ति का किस तरह से श्रम है, किस तरह से आपके यहाँ परमिट मिल जाता है। अब आप ही सोचिए कि हम कहीं व्यापार करने जा रहे हैं, तो हम वहां कभी नहीं जाएंगे जहाँ गुंडों की चलती हो, जहाँ हमारी कभी भी जमीन हड़प ली जाए, हमारी बंद करवा दी जाए कंपनी। तो आप वहीं जाते हैं जहाँ आसानी से आपको सभी सहूलियत मिल जाती है। चाइना में देखते थे आप लोग कंपनियां क्यों जाती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि एक सरकार है और एक हाथ, एक व्यक्ति के हाथ में पावर है, तो उसे वो लोग कंट्रोल अच्छे से कर पाते थे। इसलिए आपने देखा है अधिकतर कंपनियां चाइनीज में जाती थी। अभी आपने सुना होगा कि लॉकडाउन के टाइम निकल रही है कंपनी, तो हमारे भारत में कुछ खास कंपनियां नहीं आई हुई है, आपने खुद देख लिया है जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री साहब बोल रहे थे, तो उस समय उस हिसाब से नहीं आई हुई है। देखिए, हमें बहुत कुछ सुधार करने की बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, कांग्रेस पे डाल देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे डाल देते हैं, उनकी सरकार थी तो वो बीजेपी पे डाल देती थी। ये तमाशा बंद करना होगा, ये बहुत हो चुका है तमाशा। आज हम राफेल खरीद रहे हैं दूसरे देशों से, हमें खुद बनाना चाहिए। हम शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से करना चाहिए कि हमारे यहाँ खुद इस तरह की टेक्नोलॉजी जो भी विकसित हो, चाइना से बराबरी करनी है। तो आज आप देखिए, चाइना उस स्थिति में पहुंच चुका है, ये हकीकत है। कि आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद चाइना नंबर वन की जीडीपी के मामले में हो जाए, तो बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। व्यापार सुगमता सूचकांक के मानकों की अगर बात करें हम लोग, तो आपको देख रहे हैं व्यवसाय शुरू करना यानी कि स्टार्टिंग बिजनेस, यानी कि निर्माण परमिट, फिर आप देखेंगे विद्युत संपत्ति का पंजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंध लागू करना, दिवालियापन होने पर समाधान। ये एक तरह से कहिए कि सूचकांक के निम्नलिखित मानक है, इसी के आधार पर इस पर इसे चालू किया जाता है, एक तरह से आप कहिए। ठीक है, इसमें 11 मानक सेवकों को नियुक्ति करना है, लेकिन इसको स्कोर के अंतर्गत नहीं मापा जाता है। क्या किया जाता है, इसमें 11 मानक सेवकों की नियुक्ति करना, यानी कि आप कहिए एक तरह से ये मानक है, लेकिन इन्हें उसमें जो भी स्कोर में अंतर्गत नहीं इसे रखा जाता है। भारत की वर्तमान स्थिति की बात करूं, तो विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है। कितने? 63 स्थान पर। सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत पिछले 5 वर्षों यानी कि 2014 से 19 में व्यापार सुगमता सूचकांक में अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों का उल्लेखनीय सुधार करने में सफल रहा है। भारत में व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट, सीमाओं के पार व्यापार और दिवालियापन का समाधान करने में मानकों में सुधार किया गया है। व्यापार सुगमता रिपोर्ट में कमियों की बात करें भारत के संदर्भ में, तो विश्व बैंक के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत ने व्यापार सुगमता सूचकांक में तीव्र वृद्धि दर्ज की है, परंतु जमीनी स्तर पर विकास का अभाव नजर नहीं आता है। वही हाल है कि आप लोग कह दीजिए कि वो हमारे देश में 89% शिक्षा हो चुकी है दर साक्षरता, और आप नीचे धरती पर देखें कि ना के बराबर हो। तो ये तो एक तरह से आप कहिए कि सरकारी आंकड़े में वही हाल है, कि सरकारी आंकड़ों में हजारों स्कीमें चल रही है, हजारों योजनाएं चल रही है, और जमीनी स्तर पर देखिए तो ना के बराबर। एक उदाहरण आप लोग ले लीजिए, अभी कुछ दिन पहले जब एफपीपीएससी का पेपर था, तब मैंने देखा कि आपकी पूरा एमपी कवर करवाया गया था, तो उसमें करंट देख रहा था मैं, तो उसमें देखा मैंने कि कम से कम आप देखिए कि 100+ योजनाएं थी एमपी में गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए।
और मैंने उसकी मतलब पर वहां जानकारी ली। उसके बाद मैंने जमीनी स्तर पर एक जगह पूछा तो उनमें से कोई भी उस योजनाओं से परिचित नहीं था। आप सोचिए कि ऊपर लागू हो चुकी है, नीचे उस तरह की योजनाओं को नहीं देखा जा रहा है। अभी एक और अच्छी बात है, अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात कही है, उस पर आपने देखा है कि जितने लाइक नहीं मिले उससे कहीं कई गुना ज्यादा डिसलाइक दिए गए, यानी कि नापसंद किया गया। अब आप सोचिए, जनता बेवकूफ नहीं रही है। लॉकडाउन के टाइम जनता ने देख लिया सबका चरित्र। प्रधानमंत्री को एक तरह से गरीब का मसीहा बोला जाता था, उस बात को भी आप लोग जान चुके हैं। हकीकत यही है। अब देखिए, अंधभक्ति है उन लोगों की अलग बात है। अब देखिए, प्रधानमंत्री साहब को काम की बात करनी चाहिए। कुत्ते बिल्ली की प्रजातियों की बात खत्म हो गई। रोजगार की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, इसी से देश आगे बढ़ता है। आप समझ लेना चाहिए आपको। अब भाइयों बहनों, मतलब बहुत निकल गया ये टाइम, कुछ देर बाद आप देखना कि मतलब सुधरेगी। दिल्ली का आपकी अभी चुनाव आपने देखा था सबने, वहां भी तो देखा आपने जनता ने किस तरह से निकाल दिया। पूरा विपक्ष लगा हुआ था उसे हराने में, लेकिन जनता ने काम के नाम पर वोट दिया। तो बेवकूफों की दुनिया में छोड़िए, वही रहा अभी केरल में। आपने देखा है केरल की शिक्षा व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य देखिए, महिलाओं की स्थिति किसी भी मामले में आप देखिए, बेहतर स्कोर करता है केरल हर मामले में, आपने देखा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि उस जब हमारे उत्तर भारत या बाकी राज्यों में जाति पात या फिर अंधभक्ति पर वोट दिए जा रहे थे, तब केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर वोट डल रहे थे। इसीलिए आप अंतर भी देखते हैं। एक जगह बिहार को आप देख लीजिए, एक जगह आप केरल को देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। तो यही हाल है भारत में। विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के 16 से 17% पर स्थिर है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान भारत में 3.5 मिलियन नौकरियां समाप्त हो गई है। कितनी? 3.5, यानी कि 3.5। भारत की आयात निर्भरता चीन के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि हम चाइनीज पर अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाते जा रहे हैं। जो आत्मनिर्भर की बात की जा रही है खुद पर होने की, उसके बदले हम लोग चाइना पर निर्भर हो रहे हैं। एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए, आप लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं। कहते हैं कि 4 फोन अगर आपके भारत में बिक रहे हैं हमारे में, तो उसमें से 3 कंपनियां किसकी है? चाइना की। अब कहां तक आप लोग आत्मनिर्भर बनने की राय में चल रहे हैं? जनता को देखिए, दूसरा विकल्प उपलब्ध कराना होगा और सस्ता विकल्प उपलब्ध कराना होगा, तब हम लोग आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सकते हैं और तब हम लोग चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की अच्छी रैंकिंग होने के बावजूद निवेश का प्रवाह अन्य कम रैंकिंग वाले देशों के सापेक्ष काफी कम है। यानी कि आप सोचिए कि जो व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंकिंग तो अच्छी रही है, लेकिन जो निवेश आना चाहिए उस रैंकिंग के हिसाब से वो नहीं आ रहा है। तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो है। शोधकर्ताओं का दावा है कि विश्व बैंक की मानक प्रक्रियाओं में बदलाव के कारण ही भारत की रैंकिंग में परिवर्तन हुआ है, जबकि भारत ने व्यापार सुगमता के लिए जमीनी स्तर पर विशेष कार्य नहीं किया है। अब आप सोचिए खुद, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि मैंने 150 देशों की मदद की हुई, आज हमारा भारत दूसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। और केसों के मामले में आप डेली देख रहे हैं कि पहले नंबर पर खड़ा हुआ है डेली के मामलों में। अब झूठ बोलना बंद करना होगा। देखिए, हकीकत यही है, आप हकीकत से लड़ना होगा। अपने आपको तसल्ली देने से, झूठ बोलने से तसल्ली नहीं मिलती, हकीकत में झांकना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था उठ सकती है, तभी सब कुछ हो सकता है। आप देखिए, जिस क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हैं उसमें विशेषज्ञता हासिल करिए ना। अभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ के जो भी अर्थशास्त्री थे उनकी सलाह पूरे देशों ने ली है, अमेरिका की देख लीजिए, फिर चाहे आप जापान या चाइना, इस तरह के सबने हमारी मदद ली है। लेकिन हमने अपने यहाँ के अर्थशास्त्रियों की बात ही नहीं सुनी, उन्होंने जो बोला उसकी बात ही नहीं सुनी, हम अपने ही काम पर जोर देते रहे। आपने पीएम फंड योजना, पीएम फंड एक वो बनाया, फंड बनाया इस आपदा को ध्यान में रखते हुए। आपने देखा है जब आरटीआई डाली जाती है उसके खिलाफ और मांगी जाती है जानकारी, तो आप उसे देने से मना कर देते हैं। तो सोचिए, जब आपके अंदर कोई मतलब गलत नहीं है तो आप आराम से बता सकते थे कि इतना पैसा आया, इतना खर्च किया, ये किया, तो आप जानकारी दे सकते थे। कुछ तो गड़बड़ है।
तब तो आप डर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप तो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन डरता वही है जो चोर होता है। तो यही देखा गया है। और याद रखिए, आप लोग कहेंगे कि जनता ने इतना सपोर्ट क्यों किया है, तो याद रखिए कांग्रेस अपनी मौत मर चुकी है, विपक्ष में कोई दमदार नहीं है। अभी अमेरिका का देख लीजिए आप लोग, डोनाल्ड ट्रंप की नाक मतलब पसीना आ चुका है जीतने के लिए। अभी क्लियर भी नहीं है कि हारेगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां दोनों विपक्ष और पक्ष दोनों मजबूत हैं। और हमारे यहाँ देखिए आप लोग कि विपक्ष मोह के भर गिरा हुआ है, और इसलिए आराम से जीत हो जाते हैं। दिल्ली में ले लीजिए स्टेट चुनाव विधानसभा के, क्यों नहीं जीत लिया आपने? क्योंकि वहां विपक्ष तगड़ा था, और जनता के पास देख रही है कुछ दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए आपको वोट दे रहा है। जब उसके पास विकल्प आ जाएगा तो वो आपको भी नकार देगा। एक समय आपने देखा था कि कांग्रेस को भी यही घमंड था कि हमारे से बाहर कोई नहीं है। जब बीजेपी उसके एक विकल्प मिली थी जनता को, तो उसने जनता ने उसे भी दे दिया। तो देखिए समय क्या करवाता है, ये तो इतिहास करेगा। ठीक है, चिली व रूस का उदाहरण, चिली व रूस का उदाहरण। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की व्यापार सुगमता सूचकांक में रैंकिंग लगातार गिर रही है। 2014 में 34 के सापेक्ष वर्ष 2067 में 67 दर्ज की गई है, 2017 में 67 दर्ज की गई है। इसके बावजूद चिली में निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती स्थिति बनी हुई है। वही हाल है कि देखिए आप लोग की वहां की स्थिति खराब बता रहा है विश्व बैंक, फिर भी वहां निवेश और विनिर्माण क्षेत्र काफी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। कुछ सुविधा तो होगी वहां एक तरह से। शोधकर्ताओं की माने तो विश्व बैंक की पुरातन मानक प्रक्रियाओं के आधार पर गणना करने पर चिली की व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट में कोई विशेष गिरावट नहीं होती। 2012 में रूस की व्यापार सुगमता सूचकांक में रैंकिंग 120 स्थान पर थी, परंतु 6 वर्षों में ही रूस व्यापार सुगमता सूचकांक 20वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके बावजूद रूस निवेशक का आकर्षक स्थल नहीं बन पाया है। यानी कि एक यहाँ भी रूस के बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं कि वहां भी उसे बेहतर रैंकिंग दी गई, फिर भी वहां उसके निवेश नहीं जा रहा है। अन्य कमियों की अगर हम बात करें तो व्यापार सुगमता सूचकांक की सबसे बड़ी कमी यह है कि सूचकांक दिल्ली व मुंबई जैसे बड़े महानगरों की व्यापारिक स्थिति के अनुसार ही डेटा का संग्रह करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपसे कहिए कि गरीबी के आंकड़े आपको इकट्ठे करने हैं या शिक्षा के आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो आप देश को छोड़ दीजिए, दिल्ली और मुंबई के उठा के ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली और मुंबई पढ़ी लिखी है, तो यहाँ साक्षरता भी अच्छी होगी और गरीबी भी कम होगी। तो इसी के आधार पर आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। तो देखिए जो दिल्ली की सही स्थिति है वो आप बिहार की नहीं कह सकते, समझ रहे हैं आप लोग? हो सकता है कि बिहार के एक गांव में खाने के लिए बच्चों के पास खाना ना हो और दिल्ली के में फेंका जा रहा होगा, तो आप ऐसे तुलना कैसे कर सकते हैं? तो ये भी कहा जा रहा है व्यापार सुगमता सूचकांक अधिनियमों के व्यवहारिक क्रियान्वयन के बजाय अधिनियमों की उपस्थिति मात्र से रैंकिंग सुनिश्चित करता है। सूचकांक में न्यूनतम विनियमित श्रम बाजार वाले देशों को अच्छी रैंकिंग प्रदान की जाती है। इससे प्रभावित होकर महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में वेलर्स अधिनियम 1923 और इंडियन वेलर्स रेगुलेशन 1955 में संशोधन कर दिया और तृतीय पक्ष के द्वारा निरीक्षण तथा नियोक्ताओं को स्वप्रमाणन का अधिकार दे दिया। बाद में निरीक्षण और स्वप्रमाणन होना बंद हो गया, जिसका अन्य राज्यों द्वारा भी अनुसरण किया गया। इस प्रकार मानकों में फेरबदल होने से व्यापार सुगमता सूचकांक में रैंकिंग भी आपकी प्रभावित हो जाती है। बात करते हैं व्यापार सुगमता बढ़ाने हेतु भारत के प्रयास क्या रहे हैं, उस पर भी देख लेते हैं। देश के नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व सहित केंद्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी व्यापार सुगमता सुधारों ने भारत की रैंकिंग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारत में व्यवसाय शुरू करना अधिक आसान बनाया गया है, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेहतर प्रयोग भी किया गया है। व्यवसायिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को और व्यवस्थित सुव्यवस्थित किया गया है, साथ ही निर्माण परमिट प्राप्त करने निर्माण गुणवत्ता में लगने वाले समय को कम किया गया है। भारत ने
भारत ने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी पहले प्रारंभ की हैं, जिनकी सहायता से लोगों द्वारा व्यापार करना और व्यापार के लिए पूंजी एकत्रित करना आसान हो गया है। लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमता को ठीक से पहचान कर इनमें वित्त के प्रवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए छोटे छोटे क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। हाल ही में भारत ने कॉरपोरेट करों में कटौती की है, जिसका उद्देश्य भारत में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस प्रकार के कदम से निवेश लागत कम होगी और जिससे भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। याद रखिए, सुधार हुए हैं। एक समय आप देखते थे कि आपको अगर अकाउंट भी खुलवाना है बैंक में तो बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार आई है, कई सुधार हुए हैं, लेकिन ये पर्याप्त सुधार नहीं है। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस के समय से तुलना कर लेंगे। अरे भाई, अगर हमें कांग्रेस इतनी पसंद होती तो हम उसे ही क्यों ना चुनते। आपको इसलिए दोबारा चुना हम लोगों ने, क्योंकि आपने बहुत कुछ काम किए हैं और हम लोग सोचते हैं कि उसी उम्मीदों से आप काम करेंगे। समझ रहे हैं? एक आप स्वच्छ भारत अभियान ले लीजिए, दूसरा जनधन योजना खाता ले लीजिए। मैं तो कहता हूं ये वो दो योजना है, अगर आपसे कहीं भी पूछे तो आप इन्हें दो को बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है और इससे क्या है कि देश बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, नवीन सुधारों की आवश्यकता की बात करें तो स्वप्रमाणन की व्यवस्था, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को विशेष मदद की जरूरत है। इन उद्यमों को 3 वर्ष के लिए मंजूरी तथा निरीक्षण आवश्यकताओं से छूट दी जानी चाहिए। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले एमएसएमई के लिए स्वप्रमाणन मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, उत्पादों की आयात निर्यात प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिए विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट पर अनेक अधिसूचनाएं हैं, परंतु वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं को इनसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए ऑनलाइन एकल विंडो प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपका काम एक ही जगह हो जाए, आपको बार बार किसी हर जगह भटकने की जरूरत ना पड़े, ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए। उसी तरह से कि आपको एक्सरे करवाना है तो दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आपको कुछ हाथ का प्रॉब्लम है तो दूसरे हॉस्पिटल में। अगर ऐसी सुविधा आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, एक ही हॉस्पिटल में आपको सब कुछ सुविधाएं मिल जाए एक ही छत के नीचे, तो मुझे लगता है कि आपको सही लियत होगा। यही है सिंगल विंडो क्लियरेंस, कि जो भी आपके यहाँ आते हैं व्यापारी, उन्हें एक तरह से एक सुविधा, एक ही जगह उनकी समस्याओं का और जो भी वो काम करना चाहते हैं उसका समाधान हो जाए। संपत्ति पंजीकरण और भूमि अधिग्रहण कानून, संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की आवश्यकता है तथा उद्योगों को किसानों से सीधे भूमि खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। व्यावसायिक विवाद समाधान प्रक्रिया, भारत में पर्याप्त व्यावसायिक न्यायालयों तथा बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण अनुबंधों को लागू करना एक चुनौती है। अतः न्यायालयों में प्रमुख डिजिटल सुधारों जैसे कि आभासी न्यायिक कार्रवाई, ई फाइलिंग, घर से कार्य करना आदि को लागू किया जाना चाहिए। वैकल्पिक विवाद समाधान संस्थानों को स्थापित करने के साथ ही मध्यस्थता तथा सुलह केंद्रों का विस्तार किया जाना चाहिए। अगर लॉजिस्टिक सुधारों की आवश्यकता की बात करें तो भारत में लॉजिस्टिक लागत अधिक होने के कारण व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के लिए मध्यम अवधि की कार्रवाई पर बल देने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। रेलवे एवं जलमार्ग की परिवहन में हिस्सेदारी बढ़ाना, प्रथम मील अथवा अंतिम मील की कनेक्टिविटी में सुधार करना, बंदरगाहों पर वाहनों को माल की लोडिंग और अनलोडिंग के समय को कम करना। लास्ट में आप कह सकते हैं कि वैश्विक सूचकांकों की मानक प्रक्रियाओं का स्तरीकरण होना अति आवश्यक है। इस समय भारत को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और हमारे प्रधानमंत्री को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इस बात को कि 2014 की मन की बात आप सुनिए, उसमें देश को बढ़ाने वाले वो सभी पॉइंट शामिल किए जाते थे जो हमारे लिए जरूरी है और जिससे हकीकत में देश आगे बढ़ सकता है। और आज वो पॉइंट शामिल किए जा रहे हैं उनके द्वारा जो एक तरह से जोक लगते हैं, ये हकीकत है। कुछ यार देखिए, कड़वा सुन लिया करिएगा। अभी आपने देखा है कि प्रशांत भूषण ने एक शब्द बोला है कि मैंने 16 16 आया आयना सच बोला था और 16 आईने हमें सजा मिली है, 16 आईने की हमें सजा मिली 1 रुपए की। तो कभी आपको सच सुनना पड़ेगा, और नहीं सच सुनेंगे और आप अंधभक्ति में डूबे रहेंगे तो मुझे लगता है देश इस स्थिति में बना रहेगा।
हम दूसरों पर ही निर्भर बने रहेंगे। किससे बराबरी की बात कर रहे हैं? चाइना से, जहां से 70% हम लोग कच्चा माल खरीद रहे हैं दवाई बनाने के लिए। एक तरह से आप 70% इलेक्ट्रॉनिक सामान उसी कंपनी चाइना से खरीद रहे हैं। आप सोचिए कि आप वही हाल है कि आप पड़ोसी है आपका, और पड़ोसी पर आप लोग उसके यहां से आप हर चीज मांगने जा रहे हैं, आप पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हैं। आपके यहां से वो एक कोई कील लेने के लिए आ जाता है, या मान लीजिए कि 1 किलो आटा लेने के लिए आ जाता है, तो आप सोचिए कौन, अगर आप दोनों में बनती नहीं, आप पूरी तरह से व्यापार ठप कर देते तो घाटा कैसे होगा आपको? आपका पड़ोसी तो एक तरह से ऑप्शन उसके पास 1000 है, लेकिन आपके पास क्या है? आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों से आप नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, चीन ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए। अभी आप देखेंगे इस समय 2014 में हमने देखा है कि बेहतर 2014 से जब से नई सरकार आई थी अच्छे सुधार हो रहे थे। पाकिस्तान से भी बात की जा रही थी, चाइना से भी हमारे प्रधानमंत्री 2-3 बार मिल चुके हैं आराम से, और बहुत मतलब एक तरह से बढ़वाई भी की गई थी चाइना की प्रधानमंत्री द्वारा, आप लोग सोशल मीडिया पर देख लीजिए। लेकिन अभी देख रहे हैं आप लोग कि सबसे गोरे संबंध होते जा रहे हैं। तो इसमें हमें विदेशी नीति में भी झांकने की जरूरत है, और हमें खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जब हम जिंदगी में सफल ना हो पा रहे तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है कि आखिर कहां गलती की जा रही है, आखिर क्यों सूचकांक की रैंकिंग में वृद्धि के बावजूद भारत आधारभूत स्तर पर निवेश को आकर्षित करने और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में विफल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान समस्याओं का संधारणीय समाधान निकाला जाना चाहिए। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार से न केवल बाहरी निवेश बढ़ेगा अपितु घरेलू उद्योगों को भी आत्मनिर्भरता बनने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से आपको देख लेना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको किसी के अंधभक्ति की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर आप किसी के बाप भी हैं तब भी मुझे लगता है कि अंधभक्ति की जरूरत नहीं है। आपको वोट उससे देना चाहिए जो काम करता है, फिर वो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है? क्योंकि आपके बच्चों की शिक्षा को जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। अभी आप अंधभक्ति करते रहिए, अगर कोई आपकी तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो कोई नेता 1-10 हजार रुपये भी नहीं देगा आपको। आप ही किसी सरकारी हॉस्पिटल में मरते हुए दम तोड़ देंगे। तो हमें नेता देखिए, वही चल रहा है आजकल, फूट करो, फूट डालो, राजनीति करो। समझता है, इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेजों ने कि हम इस जाति के, हम इस संगठन के, हम इस पार्टी के हैं, इस पार्टी के हैं। आपने लॉकडाउन के टाइम देखा है किसी ने किसी की मदद नहीं की, कोई नेता आपके घर नहीं आया कि लीजिए खाना ले लीजिए। रोड पर हजारों लोग मारे गए, कितने लोगों को पीड़ा हुई। उसके बाद आपने देखा है प्रधानमंत्री साहब ने कोई शब्द नहीं निकाला। तो नेता नेता रहता है, आज के नेताओं की उस समय के नेताओं से तुलना नहीं कर सकते। आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया था, और वैसे आपके जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, प्राचीन भारत से आज तक जो भी राजा हुए, महाराजा हुए, उनके बारे में मेरा बताने का इतना ही उद्देश्य था। बायोग्राफी सबका कवर करवा चुके हैं कि आप लोग उनके बारे में जानिए, तो आज के नेताओं में उस समय के नेताओं में क्या फर्क था। एक समय सोचिए आप लोग कि नई जो कैबिनेट बनी हुई थी 1947 में, उसमें भीमराव अंबेडकर साहब को शामिल किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को शामिल किया गया। आप जानते हैं कि नेहरू की इन दोनों से विचारधारा अलग थी और इनकी विचारधारा अलग थी, लेकिन जरूरत थी, कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए थे भीमराव अंबेडकर साहब, तो उन्हें भी शामिल किया गया। वो नेता थे, एक लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक कार नहीं खरीद पाए, और जब कार खरीदी, उनके बच्चों ने जब पैसा डाला, प्रधानमंत्री रहते हुए बात कर रहा हूं, तो उसका अपने जिंदगी में जीते जी उसका कर्ज नहीं चुका पाए उस कार का। आपने देखा है कि उनके मरने के बाद उनकी कार का जो भी पैसा रहता है वो माफ कर दिया जाता है। तो वो प्रधानमंत्री थे, और उनके योगदान की बात कर लीजिए तो सबसे आगे है योगदान। खाद्यान्न की दृष्टि से देखिए, हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं के समय में। और आज हम देखिए कि आज विधायक सरपंच साहब को देख लीजिए, वो भी एक फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, उनके बच्चे देखिए VIP एप्पल फोन चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, VIP स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहीं जनता को देखिए भीख मांगती फिर रही है। तो ये देखना होगा, ठीक है? और याद रखिए, आज आप चुप बैठे हुए हैं शायद डरने से, तो आपकी जिंदगी 60-70 साल 100 साल की होगी, लेकिन हजारों लाखों साल आपका इतिहास जब तक धरती रहेगी
तब तक आपका आकलन होता रहेगा और तब तक आपको गाली पड़ती रहेगी। मैं हमेशा बोलता है ओके, सिंधिया के ऊपर जो इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, मुझे लगता है उसमें एक शब्द लिखा है सिंधिया गद्दार था। तो क्या इस शब्द को आपने मिटा दिया है? मुझे तो नहीं लगता है कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो शब्द हट सके, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में सिंधिया का पूरा हाथ था। इसलिए उसकी जो भी प्रॉब्लम रही हो उस समय उसने नहीं देखा कि प्रॉब्लम क्या है, ना हम उसकी प्रॉब्लम को देखते हैं, लेकिन आज हम गद्दार शब्द जरूर पढ़ते हैं। और आज हम ही नहीं पूरा दुनिया जानता है इस बात को। तो आज जो भी आप करेंगे वो आने वाला इतिहास बनता है, इस बात को आप भी जानते हैं। हो सकता है कि आने वाला इतिहास हमें गाली दे, हमारे पुराने जो भी नेता रहे हैं आज हम उन पर डाल देते हैं किसी भी समस्या के लिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग ज्यादा ध्यान मत दिया करिएगा सोशल मीडिया से, मैं तो कहता हूँ दूर ही रहिए इस समय। मैं तो फेसबुक इसीलिए बंद ही किए हुए हैं, क्योंकि उस पर जाइए इस समाज को दूसरा गाली दे रहा है, दूसरे को तीसरा गाली दे रहा है, एक तरह से आप सोचिए कि मचा हुआ है मतलब एक तरह से। तो आप लोग दूर रहिए, अपनी परीक्षाओं पर फोकस करिए, अपने पेपर देते रहिए, और जब भी आएगा आप लोग एग्जाम की तैयारी जरूर करते रहिए।